इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर सतखालिया में गुर्जर ढाबे के समीप दो लोगों ने ड्राइवर के साथ मारपीट कर शिव शक्ति कॉन्ट्रैक्शन कंपनी का डंपर छुड़ा ले गए हैं। जांच के दौरान फरियादी ने बताया कि दो आरोपी में से एक आरोपी अपना नाम किशोर गुर्जर बता रहा था, जिसकी जांच में जुटी पुलिस को सूचना मिली कि किशोर को नॉर्थ बस स्टैंड पर देखा गया है, जिसे घेराबंदी कर धर दबोचा। आरोपी ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि इस घटना में मेरे साथ किलोदा बी का गणेश उर्फ गन्नू पिता ओम प्रकाश गुर्जर भी था। दोनों ने डंपर लूट की घटना को अंजाम देकर डंपर को किलोदा से चपलासा जाने वाले मार्ग पर पड़ने वाले जंगल में ले जाकर खड़ा कर दिया। आरोपी की निशानदेही पर डंपर को भी जब्त कर लिया गया है। वही घटना में शामिल दूसरे आरोपी गणेश को भी मुखबिर की सूचना पर ग्राम किलोदा से कन्नौज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अंशुमान सिंह ने सराहनीय कार्य पर टीम को इनाम देने की घोषणा की। गुर्जर और उसका एक और साथी गणेश गुर्जर, इन दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और चपलासा के रास्ते में जंगल की तरफ जो ट्रक था, डंपर था, उसको भी बरामद कर लिया गया। अभी इन दोनों को हिरासत में ले लिया और न्याय उसमें भेजा जाएगा, न्यायालय में भेजा जाएगा और लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। देवास से रईस पठन की रिपोर्ट।